हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 के हिंदी पाठ 9 बुलबुल को समझाने जा रही हूँ। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुए मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। कलगी जो होती है मुर्गे के भी सिर पे होती है, ये ऊंचा सा होता है, ठीक है, उसको कलगी कहते हैं, ताज के जैसा, ठीक है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी, डॉट सी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें आपको बुलबुल के बारे में पूरा बताया गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव और प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से बुलबुल कौन है उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो आप लोग देखो इसमें बुलबुल कौन है इन तीनों में, तो इसमें आप गोला लगाना, ये बुलबुल है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो कैसे पहचाना हमने? इसकी पूंछ से व आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिरे को देखा जो काले रंग का था। अब उसके बाद क्वेश्चन है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। मैंने आपको बताया था कि काले रंग की कलगी वाली बुलबुल भी होती है चैप्टर में अभी, तो उसको हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम लिखो जिसके सिर पर कलगी होती है, ठीक है, और उसके रंग को भी लिखना है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको भी बताया था मुर्गा, ठीक है, मोर। तो मुर्गा जो होता है उसकी कलगी लाल होती है, और मोर जो होता है गहरे लाल नीले रंग का होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? सिपाही बुलबुल की गर्दन और कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं जिसे बलिदान और कुर्बानी के रूप स्वरूप मानते हैं, इसलिए उन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है, इनमें से कुछ 3 बातें लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, पहली बात है इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है।
दूसरी लाइन में लिखोगे इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है, तीसरी लाइन में लिखोगे इसका शरीर पूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है पता करो। ठीक है, तो इसका क्या है, हमारा घर ईंट बजरी रोड़ी सीमेंट लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। ठीक है, जिसने भी घर बनते देखा होगा उसको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो अपने मम्मी पापा की मदद से भी आप ये चीज़ जान सकते हो। अब इसके बाद है बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, बुलबुल कीड़े मकोड़े फल आदि खाना पसंद करती है। और इसमें आप ही लिख सकते हो जो आपको पसंद हो, जैसे मैंने लिखा मुझे गाजर मटर गाजर का हलवा गोभी के पराठे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। ठीक है, और इसके बाद है तीसरा, बुलबुल ऊँची आवाज़ में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊँची आवाज़ में बोलता है और कब कब। तो ये आपके करने लायक है, इसमें नाम लिखना आपके दोस्तों का और वो कब चीख चिल्लाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज़ आपको आपका जैसे कि गीता ठीक है नाम, गीता टीवी देखने के समय ज़ोर से चिल्लाती है। ठीक है, अब ये है मैं काली हूँ मीठा गाती हूँ मैं, ये इसके इसमें लिखना है। ठीक है, मैं काली हूँ मीठा गाती हूँ क्या होगा, कोयल। दूसरा, मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है हरी मिर्च खाता हूँ, तो ये होगा तोता। सूप जैसे कान है मोटे मोटे पाँव हैं लंबे लंबे दांत है, तो हाथी। इसमें लिखा है हमें पहचानो, ये हमें पहचानना है। ठीक है, सिर पर ताज है दुम पर पैसा है बादल देखकर नाचता हूँ, तो मोर। ठीक है, घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, तो चूहा होता है। ठीक है, इसके बाद है कविता या किसी और पक्षी पर बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो, तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर कविता लिख सकते हो, तो ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद है बुलबुल तोता चिड़िया कबूतर पक्षी कहलाते हैं। तो अब ये वाला जो है इसमें आपको बताना है किस चीज़ की चीज़ों का नाम है। ये पहला है गोभी आलू भिंडी, तो ये सब्जियों के नाम है। दूसरा है संतरा केला सेब, तो ये फलों के नाम है। गाय हाथी कुत्ता ये जानवरों के नाम है। उसके बाद है मूंग चना अरहर, ये दालों के नाम है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा अभी ख़त्म होता है। आपको मैंने ये चैप्टर समझा दिया, आई होप आपको ये चैप्टर सही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।